dear students today we will do geography chapter number 2 globe latitudes and longitudes in this chapter we are going to read about the globe what is globe what are the advantages of globes disadvantage of globes latitudes what are the latitudes and the longitudes and about the time zone also so now let's start our chapter okay okay

शो करते हैं शेप्स को लैंड्स को ओशंस को डिस्टेंस को और जो हमारा जो ग्लोब होता है वो क्या होता है टॉप साइड मतलब नॉर्थ और पोल से क्या रहता है वो जैसे आपने ऑरेंज देखा गा उसी प्रकार से वो ऊपर और नीचे से फ्लैट रहता है थोड़ा नीचे की ओर वो दबा हुआ रहता है ग्लोब आर द वेरिंग साइज एंड टाइप्स तो ग्लोब्स जो होते हैं कई प्रकार के सेप्स एंड साइज के भी होते हैं ग्लोब्स कैन बी रोटेट इन द सेम वेज एज टॉप स्पिन और द पॉटर व्हील्स तो ग्लोब जो हो है वो कैसे रोटेट करता है आपने शायद जैसे टॉप देखा होगा जिसे हम भोरा कहते हैं हिंदी में जिस प्रकार से भोरा घूमता है टॉप या पाउटर्स व्हील्स घुम्हार का चक्का जिसमें वो मिट्टी के क्या बनाता है बर्तन बनाता है ओके उसी प्रकार जो है हमारा ग्लोब भी रोटेट करता है सेम वे में ओके नाउ द डियर डिस्टेंट्स नाउ लेट सी अबाउट द एक्सिस वाट इज एक्सिस द इमेजनरी लाइन पासिज थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स तो यह एक्सिस क्या होता है एक इमेजनरी लाइन्स होती है द सेंटर ऑफ द अर्थ से गुजरती है वहाँ से होकर जाती है द नीडल इज फिक्सड्रू द ग्लोब इज टिटल्ड मैनर विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस तो आपने ग्लोब देखा होगा अपने स्कूल में तो क्या रहता है ग्लोब जो होता है एक नीडल के द्वारा ऊपर और नीचे की ओर फंसा रहता है मतलब उसका जो टॉप पोर्सन रहता है जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है ठीक है उसके ऊपर और नीचे की ओर वो क्या होता है ग्लोब एक स्टैंड में उसके द्वारा फंसे रहता है उस निडल के द्वारा ओकेट सी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब इट शोज द एग्जैक्ट ऑफ द अर्थ तो ग्लोब्स जो है वो एग्जैक्ट शेप शो करता है हमारे अर्थ का ओके okay. इसलिए उसे ट्रू मॉडल ऑफ अवर अर्थ कहा जाता है इट हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ द डे एंड नाइट ऑकर्स एंड दीजन तो ये हमारे डे और नाइट कैसे होता है हमारे अर्थ में या कैसे सीजन सौकर होते हैं यह भी समझने में मदद करता है कौन ग्लोब इट गिवज द आइडिया ऑफ ऑफ द अर्थ एक्सिस तो हमारा जो अर्थ है वो एक्सिस में हल्का सा झुका हुआ है तो उसी प्रकार जो ग्लोब है वो भी एक्सिस पे हल्का सा झुका हुआ है इट्स द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द ओशियंस तो जो ग्लोब है वो हमको एक एग्जैक्ट पोजिशन बताता है एरिया का ऑफ़ द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के एरिया का और साथ ही साथ ओशंस का ओके सो स्टूडेंट एज देयर इज अ सम एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोब्स देयर इज अम ग्लोब्स ऑल्सो जैसे ग्लोब्स के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है लेट्स वी सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लोव इट इज डिफिकल्ट टू कैरी इट एनी वेयर तो सबसे पहला कहा इसको जो साइज और शेप के कारण इसे कहीं भी लालन ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऑनली द पार्ट ऑफ ए ग्लोब कैन बी सीन एट अ टाइम हम एक बार में ग्लोब का एक ही, ही एक साइड का ही हिस्सा हम एक बार में देख सकते हैं इट नॉट बी यूज टू स्टडी द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ़ द अर्थ तो एक प्रकार से हम ये कह सकते ग्लोब के द्वारा हम जो पूरा या संपूर्ण पृथ्वी की जो जैसी उसके प्लेसेस की जानकारी ग्लोब से हमको नहीं मिल सकती इट डज़ नॉट शो द टाउन सिटीज डिस्ट्रिक्स और साथ ही साथ ग्लोब्स में वो टाउन्स डिस्ट्रिक रोड्स रेलवेज ये सब भी मेंशन नहीं होता हम ग्लोब को जो है एक डिनोनेशन या हम ये कह सकते हैं उसको उसको एरिया को शो करने के लिए अलग कलर यूज़ करते हैं वाटर बॉडीज को शो करने के लिए अलग कलर करते हैं जैसे वाटर बॉडी को ब्लू कलर शो करेंगे फॉरेस्ट के लिए ग्रीन कलर यूज करेंगे माउंटेनियस एरिया के लिए ब्राउन कलर होता है एक इंडिकेशन होता है स्पेसिफिक कलर का हर एक एरिया के लिए ओके नाउ लेट सी वी अबाउट द इक्वेटर इट इज़ द लाइन बीच पासिस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ तो इक्वेटर जो होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से गुजरता है या उसके वो वो बीच से जाता है जिसके कारण अर्थ जो है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है एक हम कह सकते हैं नॉर्थन हेमिसफियर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो सदर्न हेमिसफीयर इट डिवाइड द अर्थ इन टू द टू इक्वल पार्ट्स नॉर्थन हेमिसफियर इन द सदर्न हेमिसफियर एंड इट्स लार्जेस्ट लेटिट्यूड एट द जीरो डिग्री तो ये सबसे बड़ा लैटीट्यूड होता है ठीक है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है डिग्री रोस फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करता है मतलब ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स वी डिस्कस ऑन द द ऑफ लैटिट्यूड लैटिट्यूड इज एन इन इनविजिबल हॉरिजेंटल लाइन तो देखिए ऑल दिस इक्वेटर प्राइम मेडिटेरियन लैटिट्यूड लैंगीट्यूड एक्चुअली दे आर लाइन एक इमेजनरी लाइन है एक्चुअली हमारे अर्थ में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं होती पर हमने इसे इमेज किया है वाई टू स्टडी अबाउट द प्लेसेस टू स्टडी अबाउट द डायरेक्शन तो हमने इस प्रकार की जो इक्वेटर लाइन या लैटिट्यूड लाइन या लॉन्गिट्यूड लाइन जो है एक इमेज किया हुआ लाइन है हमारे द्वारा क्यों ताकि हम उस प्लेस की प्रॉपर पोजिशन जान सके उसकी समय का कैलकुलेशन कर सके इसी कारण तो लैटिट्यूड जो है इन्विजिबल है जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है ठीक है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा हॉरिजेंटल वर्टिकल्स और ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर रन करता है ऑल पैरल लाइन्स बिंग फ्रॉम द इक्वेटर इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स तो देखिए हर जो लाइन स्टार्ट होती है वो इक्वेटर से होती है स्टार्ट लैटिट्यूड्स की जो लाइन स्टार्ट होती है वो आपकी होती है इक्वेटर से और इक्वेटर से जाती है कहाँ तक पोल्स तक के तो इसे पैलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल द इक्वेटर रिप्रेजेंटर जीरो डिग्री और आपको जैसे पहले ही बताया गया है इक्वेटर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ का होने के कारण उसकी जीरो डिग्री है ओके रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करता है मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर और इक्वेटर से हम उसको कैसे मेजर करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन को लेकर हम मेजर करते हैं इक्वेटर जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ होने के कारण इक्वेटर से हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटिंग ओके डी रिस्टोरेंट दिसर फॉम द प्राइमेडिटेरियन एंड दे मीट एट द राइट एंगल्स और ये जो मिलते हैं वो एक राइट right एंगल्स बनाते हैं या राइट right एंगल्स में मिलते हैं गेट शॉर्टर एज दे मूव टूवर्ड दोल अब जैसे जैसे ये लाइन्स पैलल्स आगे की ओर बढ़ते जाएंगे जैसे हम कहते हैं आगे की ओर मतलब इक्वेटर से पोल्स की ओर तो जा, बढ़ते जाएंगे तो वो शॉर्ट होती जाएगी यहाँ एक हम सिंपल एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं ये आपका आर्टिक सर्कल वगैरह का है ठीक है आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल की दिया है ये पैरल्स लाइन नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ एक लाइन के जो शॉर्ट्स कैसे होते वो हम देख सकते हैं ऊपर का देखिए जो ऊपर का पोर्शन है वो नॉर्थ पोल कहलाता है फिर देखिए ये बीच में आपका इक्वेटर है लिखा हुआ है इक्वेटर ज़ीरो डिग्री अब देखिए जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो आपको लाइन धीरे धीरे जो है छोटी होती दिखाई देगी आर्टिक सर्कल में आप देखेंगे आके वो छोटी हो गई है ओके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में वो बड़ी दिखाई दे रही है सो इन दिस वे दोल एज बी फ्रॉम द इक्वेटर मूव टूवर्ड द पोल्स द लाइन गेट शॉर्टर्स सेम ईयर आप, आप short, south साउथ पोल में भी देख सकते ये साउथ पोल का हिस्सा है इक्वेटर जो है वहाँ से स्टार्ट करते हम कैलकुलेट करना 0 डिग्री होने के कारण तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ठीक है फिर आर्टिक सर्कल आते आते तक के ये मतलब साउथ पोल तक पहुँचते तक ये लाइन जो है शॉर्ट होती गई उसी प्रकार सेम वे में आपकी ये जो पैलेस लैटिट्यूड से वो भी सेम बिहेव करती है ओके स्टूडेंट्स सो डियर स्टूडेंट दिस ऑल्सो शोज अबाउट द ट्रॉपिक्स ऑफ डिफरेंट हीट जोन्स और दी कैन से डैट कोल्ड रीजन ऑल्सो हाउ दे कैन नाउ लेट्स वी सी एज वी नो डैट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज द वन ऑफ द वेरी फार फ्रॉम द इक्वेटर तो जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है इक्वेटर से दूर होने के कारण क्या होता है वहाँ पे जो सनलाइट है बहुत रेयरली पहुँचती है इस कारण वहाँ पे क्या होता है आपका ठंड ज़्यादा होती कभी कभार टेम्परेचर जीरो डिग्री तक चला जाता है ठीक है यहाँ पे हम देख सकते हैं देखिए ये पोलर जोन है कोल्ड रीज़न है फिर उसके बाद और इसका सिक्सटी डिग्री है ये टेम्परेट जोन है इस टेम्परेट जोन मतलब जहाँ पर सन की रेज आसानी से आ जाती है ओके फिर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आंसर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री है और फिर हम बात करते हैं इक्वेटर की तो इक्वेटर जीरो डिग्री शो हो रहा है यहाँ पे फिर अब हम साउथ पोल की ओर निकलते हैं तो साउथ पोल की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री आता है ये आपका वार्म एरिया है क्यों सनलाइट आ जा रही है यहाँ पर अब यहाँ पर हम पोलर जोन में आ गए साउथ पोल के क्योंकि इक्वेटर से दूर है सनलाइट बहुत कम आती है ठीक है सिक्सटी सेम डिग्री रहेगी सिक्सटी सिक्स पॉइंट

इमेजनरी लाइन्स है यह नॉर्थ से साउथ की ओर रन करती है द सिटी विथ द लॉन्गिट्यूडन ऑफ जीरो इंक्लूड्स ग्रीनविच कैम्ब्रिज ओके इनमें से कुछ ऐसी सिटी है जो जीरो डिग्री को बिलोंग करती है वो है आपकी ग्रीनविच जो लंदन में स्थित है कैम्ब्रिज यूके ओके लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड द ग्लोब इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमस्फियर अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारे अर्थ को ईस्टर्न हेमिसफियर और वेस्टर्न हेमस्फियर में डिवाइड कर देता है ओके एलॉन्ग विद द प्राइम मेडिटेरियंस प्राइम मेडिट मेडिटेरियंस मतलब जब ये सब लाइंस एक साथ मिलती है तो उसे हम प्राइम मेडिटेरियंस कहते हैं द प्राइम मेडिटेरियंस ओरिजिनेटेड इन ग्रीनविच तो जैसे मालूम है जो प्राइम मेडिटेरियन है वो ग्रीनविच से स्टार्ट हुआ है तो जी एम टी ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम भी हम उसे कहते हैं लंडन विच इज वो आई द लॉन्गिट्यूड जीरो और वहाँ पे लंदन में स्थित है इसको हम जीरो डिग्री लिया गया है इट सेट इट रन थ्रू द यू के फ्रांस अफ्रीका और ये कहाँ कहाँ किन किन देशों से होकर गुजरती है यूके यूनाइटेड किंगडम फ्रांस अफ्रीका और सेवरेल सीज से होकर ये प्राइम मेडिटेरियन गुजरती है न्यूयॉर्क हेज़ अ लॉन्गिट्यूडनल कॉर्डिनेट ऑफ सेवेंटी फोर डिग्री वेस्ट एंड कैरियो हैज लॉन्गिट्यूडनल कॉर्डिनेट ऑफ थर्टी वन डिग्री ईस्ट अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो लॉन्गिट्यूड है लेटिट्यूड है ये प्लेस के टाइम को भी कैलकुलेट करने के काम में आता है अब यहाँ पे हम जैसे बात करते हैं न्यूयॉर्क जो है वो कौन से लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है सेवेंटी फोर डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में और कायरो एक अफ्रीकन कंट्री का पार्ट है कायरो ठीक है मिस्र में आता है ये आता है आपका थर्टी डिग्री ईस्ट तो स्वाभाविक है दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड में और अलग अलग डायरेक्शन में होने के कारण इनके टाइम में भी डिफ्रेंसेस होगा तो इसी कारण जो लॉन्गिट्यूड है लैटीट्यूड है वो प्लेस के टाइम की भी कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है आप जैसे हम इंडिया की बात करते हैं इंडिया में हम छत्तीसगढ़ ले लेते हैं छत्तीसगढ़ के हम रायपुर बिलासपुर की बात करें तो दोनों प्लेस देखिए राए, राय रायपुर के छत्तीसगढ़ के में होने के बावजूद भी रायपुर और बिलासपुर दोनों हो सकता है उनका लॉन्गिट्यूड और उनका डायरेक्शन अलग अलग हो तो कहने का मतलब है उनका जो डिग्री होगी वो ज़रूरी नहीं कि एक जैसा हो अगर फॉर द एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर हमने न्यूयॉर्क और कायरों का लिया तो वो तो दोनों अलग अलग कंट्री की बात किए थे अगर हम सेम सेम कंट्री और सेम स्टेट के दो प्लेस की बात करते जैसे रायपुर बिलासपुर की तो हो सकता है रायपुर अगर थर्टी फाइव डिग्री ईस्ट में होगा तो आपका बिलासपुर ट्वेंटी फाइव डिग्री वेस्ट में तो देखिए दोनों की इसमें टाइम दोनों की डिग्री अलग है दोनों का तो इसमें क्या होगा दोनों में टाइम डिफरेंस होगा अब देखिए यहाँ पे टाइम अगर एक ही देश में अगर दोनों जगहों का टाइम डिफरेंस अलग होगा तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी हमें रेलवे के ऑपरेशन में एरोप्लेन के ऑपरेशंस में स्कूल कॉलेज में ये सब मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी तो हमने एक ही टाइम जोन लिया है जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा हैं उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स लेट्स वी सी अबाउट द टाइम डिवीजन लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम सिंस द अर्थ मेक्स द वन कम्प्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ़ थ्री सिक्सटी डिग्री तो देखिए जो अर्थ है वो थ्री सिक्सटी डिग्री वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करने में कितना लेती है ट्वेंटी फोर आवर्स अगर हम इस थ्री सिक्सटी को ट्वेंटी फोर आवर्स में डि से डिवाइड करते चौबीस घंटों से अगर डिवाइड करते तो एक डिग्री तो निकलती है लॉन्गीटूड की पंद्रह फिफ्टीन डिग्री मतलब एक जो आप आप ये कह सकते ईस्टर्न से या वेस्टर्न की ओर जो लाइन जा रही है वर्टिकल वो फिफ्टीन डिग्री की होगी ठीक है और उस फिफ्टीन डिग्री को कवर करने के लिए या उस फिफ्टीन डिग्री को कवर करने के लिए हमारे अर्थ ने एक घंटा लेता है ओके ओके द अर्थ रोटेस्ट फ्रॉम वेस्ट टू इस डायरेक्शन सो एवरी फिफ्टीन वी गो ईस्टवर्ड तो देखिए एज वी नो डैट फ्रॉम आपने क्लास थर्ड में भी पढ़ा होगा फोर्थ में भी पढ़ा होगा कि हमारी अर्थ जो है वेस्ट से इस डायरेक्शन में जाती है इसी कारण जो सन हमको ईस्ट से राइज होता हुआ दिखता है तो देखिए ये मैंने आपको अभी से पहले समझाया था फिफ्टीन डिग्री में डिवाइड होने के कारण क्या होता है गो ईस्टवर्ड लोकल टाइम इज एडवांस बाय वन आवर तो इसी कारण क्या होता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है तो लोकल टाइम जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है ठीक है कन्वर्सली इफ़ वी गो वेस्टवर्ड लोकल टाइम इज रिटार्टेड और अगर हम वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाएंगे या अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा टाइम डिक्रीज़ होने लगता है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमारी अर्थ जो है वेस्ट से इस डायरेक्शन की ओर जाते तो टाइम बढ़ता जाएगा ठीक है वन आवर से वी मेथर्स कैलकुलेट डेट द प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच सी द सन अर्लियर एंड गेन द टाइम तो इसी कारण क्या होता है जो ग्रीन विच में जब सन उसके पीक में रहता है तो उसके आसपास का जो एरिया है या कंट्रीज है वहाँ पे हम क्या होता है जो आपका नून समय में शुरू हो जाता है डेट द प्लेस ग्रीनविच सी द सन अर्लियर एंड गेन द टाइम ठीक है वेयर द प्लेस वेस्ट ऑफ द ग्रीन विच सी द सन लेटर तो जो ग्रीन विच का जो ईस्ट पार्ट है वो वहां पर जल्दी सनराइज होता है तो उनको वहां पर वहां पर जल्दी टाइम शुरू हो जाता है और जो वेस्ट पार्ट है वहां पर लेट शुरू होता है सन ओके ना इफ यू नो जी एम टी अभी हम यहाँ पे टाइम के बारे में बात कर रहे थे जी एम टी मीन्स क्या होता है ग्रीन विच मेडिटेरियन या ग्रीन मेडिटेरियन टाइम टू फाइंड द लोकल टाइम वी मेयरली हैव टू एड द्रैक्ट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आवर्स फ्रॉम द गि लैंग्विट्यूड तो अगर हमको GMT एम टी मालूम है तो हमें किसी में भी प्लस माइनस समय को प्लस करने की या एक्स्ट्रा टाइम जोड़ने की या एक्स्ट्रा टाइम माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो जो यूके से स्टार्ट होता है यूनाइटेड किंगडम आपका वेन द प्राइम मेडिटेरियन ऑफ द ग्रीन विच एज द सन एट द हाइस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेस अलॉन्ग दिस मेडिटेरियन विल बी मिड डे तो देखिए वेन द प्राइम मेडिटेरियन ऑफ द ग्रीन तो ये जो प्राइम मेडिटेरियन है ग्रीन विच का अगर वहाँ पे जब सन अपने हाईएस्ट पीक में होता है ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेडिटेरियन तो उस मेडिटेरियन के आसपास पास के जितने भी एरिया होंगे ग्रीन विच के आसपास के जो लंदन में हैं ठीक है तो वो आपके वहाँ पे क्या होगा नून नून मतलब होता है आफ्टर आफ्टर नून ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स वी सी अबाउट द टाइम जोन्स द टाइम जोन्स आर डिफाइंड बाय द डिवाइडिंग द्री सिक्सटी ऑफ़ दी अर्थली स्पेयर इं टू द ट्वेंटी फोर आवर्स तो जैसे मैंने इसको बताया हम टाइम जोन कैसे निकलते कि अर्थ जो है थ्री सिक्सटी डिग्री घूमती है उसमें ट्वेंटी फोर आवर्स लेते हैं तो आप थ्री सिक्सटी को ट्वेंटी फोर आवर्स से डिवाइड कर लीजिए तो हर डिग्री होगी फिफ्टीन की फिफ्टीन डिग्री निकलेगी आपका एंसर तो उस फिफ्टीन डिग्री को कवर करने के लिए अर्थ लेता है वन आवर ओके आप यहाँ पे भी जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिवाइड किया गया है डिवाइडेड आवर्स ठीक है इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री तो हर एक जो है वहाँ पर जो ईस्ट से वेस्ट की और जाने वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो फिफ्टीन डिग्री की होती है और उस फिफ्टीन डिग्री को कवर करने के लिए वन आवर का समय लगता है ओके नाओ द डियर स्टूडेंट्स वाई वी हैव स्टैंडर्ड टाइम हमारे को क्यों जरूरत पड़ी एस टी आई एस टी भी कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम द लोकल टाइम ऑफ़ द प्लेस वीच आर ऑन द डिफरेंट मेडिटेरियंस आर बाउंड टू डिफर तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था हमने आपको भारत के छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर का एग्ज़ाम्पल देके क्या बताया था कि दोनों प्लेस रायपुर के रायपुर और बिलासपुर हो सकता है कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे सिचुएशन हो उनकी डिग्री अलग हो तो स्वाभाविक है दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस होगा क्यों होगा क्योंकि हर एक डिग्री जो है फ़िफ्टीन होती है तो फिफ्टीन डिग्री उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको उस वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी डिग्री की क्रॉस करना पड़ा तो इसी कारण टाइम डिफरेंस हो सकता है और ये अगर एक ही देश में दो प्लेस में टाइम डिफरेंस अलग होगा तो रेलवे के ऑपरेशन में प्लेन्स एयर एयर एयरप्लेन्स के ऑपरेशन में स्कूल कॉलेजेस में हमें बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ सकती इसलिए हमने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम लिया है ओके फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया देयर विल बी अ डिफरेंस अबाउट द वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिबू इन आसाम तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको रायपुर छत्तीसगढ़ और बिलासपुर का एग्जाम्पल दिया था तो यहाँ पर दो स्टेट का एग्ज़ाम्पल लिया है एक है आपका द्वारका जो गुजरात स्टेट में है और एक डिबूगढ़ जो असम में है दोनों देखिए दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में होने के कारण दोनों का टाइम डिफरेंस दोनों स्टेट के प्लेस में कितना टाइम डिफरेंस है वन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का इस प्रकार का टाइम डिफरेंस क्यों आया क्यों क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्लेस में सिचुएटेड है दोनों का लॉन्गिट्यूड अलग है दोनों की डिग्री अलग है इसी कारण इसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े करके हमने एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टाइम लिया है जो है ट्वेंटी थ्री एंड वन थर्ड डिग्री साउथ इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ द इज द ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेडिटेरियन तो देखिए लॉन्गिट्यूड को एक स्टैंडर्ड मेडिटेरियन माना गया हमारे भारत में द लोकल टाइम एज दिस मेडिटेरियन इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम तो इसी का जो लोकल टाइम है उसे एक स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम लेते हुए हमने ट्वेंटी थ्री एंड हाफ या ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ एक प्रॉपर या एक स्टैंडर्ड मेरिटेरियन माना गया है जैसे यूके के लिए ग्रीनविच ज़ीरो डिग्री है वैसे देखिए हर एक एरिया वाइज़ जो है टाइम जोन अलग अलग होते हैं ओके यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे रशिया है कैनेडा है और आपका अमेरिका है वो हमारे भारत जैसे एरिया वाइज किलोमीटर वाइज बड़ी कंट्री है ठीक है तो वहाँ पर जो टाइम जोनस है अलग है अलग है मतलब कोई एक टाइम जोन नहीं है हमारे भारत देश में एक ही टाइम जोन है लेकिन किसी जैसे कैनेडा है अमेरिका है या रशिया में कहीं पे छः टाइम जोन्स है तो कहीं पे ग्यारह टाइम जोन्स है तो कहीं पे सात टाइम जोन्स लिया गया मतलब तो एक ही कंट्री में अलग अलग टाइम जोन्स लिया गया है क्यों लिया गया क्योंकि उनका जो एरिया है बड़ा है और एक ही टाइम जोन अगर लिया जाता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती उनको ऑपरेट करने में तो इसी कारण अलग अलग टाइम जोन लिए गए जिससे कि वहां के हर एक चीज को आसानी से ऑपरेट किया जाए सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर थैंक यू